नमस्कार, मधुस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो कहानी पाठ पर आधारित होगी। जिस कहानी का हम पाठ करेंगे उसका नाम है दाज्यू और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। कहानी कुछ इस प्रकार है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी स्फूर्ति, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही के कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनवरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती हैं, विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगे अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। चाय शाम। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा। शाब अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गाँव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है शाब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोट्यालगो, वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी ना निकल सके। खोया खोया सा वह मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गाँव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, भुली छोटी बहन, दाजू बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भुली नहीं, दाजू हाँ, दाजू। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच के अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जोहिन। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यूं पड़ेगा?
दाजियो, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियो कोई चीज, पानी लाओ। लाया दाजियो, दूसरी टेबल से मदन की आवाज सुनाई देती। मदन दाजियो शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपने रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजियो कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियो। मदन इधर आओ। आया दाजियो। दाजियो शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। दाजियो चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन यह दाजियो दाजियो क्या चिल्लाते रहते हो रात दिन? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना कुछ समझाए ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सिर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों के राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू के इशारे पर मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और ना ही उसने क्या लाऊं दाजियो कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, दो चाय दो आमलेट। परंतु तब भी लाया दाजियो कहने की अपेक्षा लाया शाप कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गईं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजियो आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं शाब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। कहानी समाप्त। धन्यवाद।